function we have already done with the law of demand, the factors determining the demand, elasticity of demand. This we have already done in last section, right? हमने इसको किया था. अभी जब हम लोग elasticity of demand या elasticity of supply की बात करते हैं, तो हमारी elasticity कितने तरीके की थी? देखो, first was price elasticity of demand. Price elasticity मतलब क्या है? Price elasticity मतलब a percentage change in quantity demanded due to a percentage change in price. तो सिंपल सी बात है, प्राइस इलास्टिसिटी किस चीज को रेफर कर रहा है? मतलब दाम के, प्राइस के एक छोटे से चेंज, एक स्मॉल चेंज अगर होता है, और वी कैन से अ परसेंटेज चेंज, ठीक है, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा है ऑन डिमांड. तो मैं बोल सकती हूँ ना, चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी. हो सकता है ना, हम लोग बोल सकते हैं. देखिए, दाम बढ़ने या घटने से ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम डिमांड जीरो हो जाएगा या तो डिमांड बहुत हाई हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. वो परसेंटेज चेंज, रिलेटिवली स्मॉल परसेंटेज चेंज होती है, राइट? अभी देखो, हमारी जो इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी कितनी तरह की होती है? जब हम वैल्यू निकालते हैं ना, तो कभी निकलता है E इज इक्वल टू 1, कभी निकलता है E इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, हम बोल सकते हैं. कभी E इज इक्वल टू लेस देन 1, ऐसा भी हो सकता है, होता है ना, या E इज इक्वल टू 0, ऐसा भी होता है कभी कभी, एकदम परफेक्टली इनइलास्टिक अगर हुआ तो E इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, और E इज इक्वल टू इंफिनिटी, ये भी हम लोग कह सकते हैं, राइट? तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग को एग्जामिनेशन में कोई सम्स दे दिया, सम्स निकालने के बाद आप लोग को बोलता है कि आप ये प्रोडक्ट के बारे में आप बताओ, विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज दिस, और वट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी फॉर दिस प्रोडक्ट एग्जिस्ट, बोल ही सकता है. तो आपने पहले वो सम्स किया, सम्स करने के बाद जो वैल्यू निकला, मे बी आपने इलास्टिसिटी निकाली, इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 2, तो 2 का मतलब क्या हो गया, वो यहाँ पे आ गया, E इज ग्रेटर देन 1, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1, 2 इज ग्रेटर देन 1 ना, तो इलास्टिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 है तो वो क्या होगा? देखिए, E इज इक्वल टू 1 जब हम लोग बोलते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं यूनिटरी इलास्टिसिटी. यूनिटरी इलास्टिसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिटरी इलास्टिसिटी मतलब एकदम करस्पॉन्डेंट जो चेंज होती है ना, एकदम प्रोपोर्शनल रेशियो में चेंज हो रही है, एकदम करस्पॉन्डेंस मूवमेंट है. एक रुपया दाम घटा तो एक क्वांटिटी ऊपर, मतलब क्वांटिटी इंक्रीज हुई, या एक रुपया दाम बढ़ा तो एक यूनिट क्वांटिटी डिक्रीज हुई, एकदम यूनिटरी मतलब ऑपोजिट मूवमेंट होता है इन दिस सेम प्रोपोर्शन, ठीक है? तो एक्चुअल में अगर हम लोग देखें तो ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ठीक है? अभी E इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड का मतलब क्या होता है? ये थोड़ा ज्यादा इलास्टिक होता है, मतलब इन रेफरेंस टू द प्राइस, प्राइस बोलो या अदर जो भी कंपोनेंट की हम बात करें, उसका जितना चेंज हो रहा है उसके हिसाब से इलास्टिसिटी हमारी ज्यादा है, उसको बोलते हैं रिलेटिवली इलास्टिक, ठीक है? अभी देखिए, E इज लेस देन 1, E इज लेस देन 1 का सिंपल सा मतलब है इट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, मतलब इन रिलेशन टू प्राइस इसकी जो इलास्टिसिटी है वो लेस इलास्टिक है, बोल सकते हैं ना, दैट इज रिलेटिवली इन इलास्टिक, ठीक है? E इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक मतलब प्राइस हो या अदर कोई भी कॉम्पोनेंट हो, उसका कोई इम्पैक्ट डिमांड के ऊपर नहीं हो रहा है, तो E इज इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे हम नमक खरीदते हैं, तो नमक अब हमारी इनकम बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, हम लोग नमक ज्यादा नहीं खाएंगे ना ही कम खाएंगे, जितनी जरूरत हो उतना ही खाएंगे, सो वी कैन से E इज इक्वल टू 0, परफेक्टली इन इलास्टिक है ना इसका डिमांड. अभी E इज इक्वल टू इनफाइनाइटली, मतलब एकदम परफेक्टली इलास्टिक, आप बोल सकते हैं एकदम परफेक्टली इलास्टिक, मतलब आप जितना, ये मेनली आपके लग्जरी आइटम्स जो होते हैं ना उस पे ये परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होता है, जितना दाम आप कमाते जाओगे उतनी ज्यादा इसका डिमांड जो है वो बढ़ते जाएगा, वो है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है? इसके बाद आता है क्रॉस इलास्टिक डिमांड. क्रॉस इलास्टिसिटी की जब हम लोग बात करते हैं ना, क्रॉस इलास्टिसिटी में हम लोग रेफर करते हैं, वी रेफर और वी स्टडी टू गुड्स, हम लोग दो गुड्स को लेकर स्टडी करते हैं, दो गुड्स की प्राइस एंड डिमांड को लेकर स्टडी करते हैं. नाउ दिस क्रॉस इलास्टिसिटी इज मेनली फॉर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, ठीक है?
अब दिस रिलेटेड प्रोडक्ट्स कैन आइदर बी सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंटरी, दोनों ही हो सकता है ना. दिस कैन बी सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अभी सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होता है, सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब टी और कॉफी, आइदर टी और कॉफी, है ना, टी और कॉफी में कोई एक हम लोग चूज करते हैं. और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, हमारा टी एंड सुगर, मतलब टी और सुगर मुझे दोनों संग संग चाहिए, दैट इज माई कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स. अभी देखिए क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या हो रहा है, मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझा रही हूँ. सपोज ऑरेंज एंड एप्पल, दे आर बोथ आर रिलेटेड गुड्स, ठीक है. अभी सिंपल सी बात है, ऑरेंज का अगर प्राइस चेंज हो रहा है, ठीक है, प्राइस चेंज हो रहा है, कीपिंग द प्राइस ऑफ एप्पल एज कॉन्स्टेंट. नाउ यू हैव टू टेक द प्राइस ऑफ द एप्पल एज कॉन्स्टेंट ओनली. इफ बोथ आर इंक्रीजिंग और बोथ आर डिक्रीजिंग, देन देयर विल बी नो इंपैक्ट और वी कैन नॉट एक्चुअली मेजर द इलास्टिसिटी. नाउ वी हैव टू कीप समथिंग कॉन्स्टेंट, दिस हैज टू बी अज्यूम्ड. तो मैं ऑरेंज और एप्पल के जब डिमांड की बात कर रही हूँ क्रॉस इलास्टिसिटी की, तो सपोज ऑरेंज का मैं लिख के दिखाती हूँ, दैट वुड बी इजी. ऑरेंज का प्राइस था 80 रुपीज और इसकी क्वांटिटी डिमांड थी 100, ठीक है. ऑन द अदर हैंड एप्पल का मैं देख रही हूँ, एप्पल का प्राइस भी 80 था और इसकी क्वांटिटी डिमांड थी 100, ठीक है. अभी ऑरेंज ने अपने प्राइस को घटा के कर दिया 70, ठीक है. बेचारा एप्पल ने तो कुछ किया नहीं, एप्पल को देखो उसने कुछ किया है क्या, उसने कुछ नहीं किया, उसका प्राइस इट रिमेन सेम. बट ऑरेंज और एप्पल दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड, सब्स्टिट्यूट गुड्स. तो अभी क्या हो रहा है, इनमें एक क्रॉस रिलेशन चल रहा है. अभी ऑरेंज ने क्योंकि अपने प्राइस को चेंज किया है, तो यहाँ से कुछ कंज्यूमर, क्योंकि इट्स अ सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, यहाँ से कुछ कंज्यूमर कम होके यहाँ आ गए. सपोज यहाँ पे 30 कंज्यूमर आ गए, तो इसके जो डिमांड है वो चेंज हो गई, ये हो गई 70 और ये हो गई 130. सो ये क्रॉस रिलेशन जो बता रहा है ना, विद दैट रिलेटेड प्रोडक्ट्स, इट कैन बी आइदर सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री अगर होता है जैसे डीजल एंड डीजल का, तो डीजल का दाम अगर बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिकली डीजल की डिमांड घटेगी, और ऑन दी अदर साइड आप देखोगे डीजल से जो चलने वाली कार है उसकी डिमांड भी घटेगी. सो दिस इज कॉल्ड एज क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes. इसके आगे बढ़ी हूँ मैं. इनकम इलास्टिसिटी, सिंपल सी बात है, आपके इनकम का क्या इम्पैक्ट हो रहा है डिमांड के ऊपर, कीपिंग अदर थिंग्स एज कॉन्स्टेंट. एक चीज की दाम वैसी सेम की सेम है. सपोज एक चीज, एक प्रोडक्ट का दाम 10,000 रुपीज है, वो पहले भी 10,000 था, आज भी 10,000 है. पहले मैं उस प्रोडक्ट को नहीं खरीद सकती थी, बट आज मेरी इनकम बढ़ गई है तो मैं प्रोडक्ट खरीद सक रही हूँ. तो डिमांड तो चेंज हुई ना, मेरी इनकम से डिमांड पे इम्पैक्ट हुआ. तो एडवर्टाइजिंग और प्रमोशनल इलास्टिसिटी, सिंपल सी बात है, एडवर्टाइजिंग जो एक्टिविटीज या प्रमोशनल एक्टिविटीज होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है हमारे टोटल डिमांड के ऊपर, उसको बोलते हैं, ठीक है. देखिए एक कॉन्सेप्ट है प्राइस फ्लोर, ठीक है, प्राइस फ्लोर एंड प्राइस सीलिंग. ये दो चीज है जो नॉर्मली हम लोग देखते हैं यूज करना होता है हमें, मिनिमम वेजेस या एग्रीकल्चरल प्राइसेस या और भी कुछ कुछ सेक्टर्स में गवर्नमेंट ये दो चीज को कंट्रोल करती है. दिस आर टू कॉन्सेप्ट. क्योंकि जब हम लोग इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो हमारा, क्योंकि मार्केट इकोनॉमी हो या हमारा कमांड इकोनॉमी हो, एनी इकोनॉमी, वहां पे ये दो चीज में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है. एक होता है प्राइस फ्लोर और एक होती है प्राइस सीलिंग. अभी देखो प्राइस फ्लोर का मतलब क्या होता है, दिस इज द बेस प्राइस, इसके नीचे आप दाम घटा नहीं सकते. नॉर्मली ये वेजेस, मिनिमम वेजेस में होता है या एग्रीकल्चर प्राइस में होता है कि गेहूं आप इससे सस्ता नहीं बेच सकते या चावल इससे सस्ता नहीं बेच सकते, तो वो एग्रीकल्चर प्राइसेस में हो जाता है प्राइस फ्लोर. और प्राइस सीलिंग भी, सीलिंग का मतलब क्या होता है, जब आप एक्सेसिव प्राइस चार्ज करते हो तो गवर्नमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है प्राइसेस थ्रू प्राइस सीलिंग, ठीक है. ये मैंने प्राइस सीलिंग क्या बता रहा है, दिस इज द मैक्सिमम प्राइस यू कैन चार्ज फॉर अ प्रोडक्ट, दिस सीलिंग इज फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. जैसे रेंट कंट्रोल हुआ, ठीक है, तो वो हो गई. अभी देखिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो है डिमांड फॉरकास्टिंग. डिमांड फॉरकास्टिंग क्या है, हमें डिमांड फॉरकास्टिंग का मतलब पहले अच्छे से समझना है. डिमांड फॉरकास्टिंग कैन बी डिस्क्राइब एज अ प्रेडिक्शन ऑफ द फ्यूचर लेवल ऑफ डिमांड
ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस. सिंपल सी बात है, हमें डिमांड, देखो डिमांड एस्टिमेशन के ऊपर हमारा पूरा जो प्रोडक्शन है, पूरा फॉरकास्टिंग है, पूरा लेआउट है, पूरा ऑपरेशंस है, सारी चीजें हमारे डिमांड के ऊपर डिपेंडेंट है. तो हमारे डिमांड एस्टिमेशन के ऊपर देखो सब ही चीज डिपेंडेंट है. अब अगर हम डिमांड एस्टिमेशन गलत करते हैं, उसके हिसाब से हम फैसिलिटी, लोकेशन, लेआउट, ऑपरेशन, सारी चीजों की प्लानिंग भी होनी है, तो हमारा डिमांड एस्टिमेशन सही होना चाहिए. तो डिमांड फॉरकास्टिंग में हमें प्रेडिक्ट करना होता है कि भाई हमारी फ्यूचर कितनी डिमांड हो सकती है. जैसे मैं हर सेशन में एस्टिमेट करती हूँ कि हाँ इस सेशन में इतने एडमिशन होंगे, तो मैं उस हिसाब से मुझे अपने शेड्यूल को मेंटेन करना. सो डिमांड फॉरकास्टिंग तो हर जगह पर जरूरी है ना, आइदर वो प्रोडक्ट हो, सर्विसेज हो, बिकॉज एंटायर इकोनॉमिक्स, व्हाई वी आर स्टडिंग एंटायर इकोनॉमिक, जस्ट बिकॉज इट विल हेल्प मी इन ऑपरेशंस मैनेजमेंट. अब देखो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में हेल्प होगा, वहां से मार्केटिंग में हेल्प होगा, एचआर में हेल्प होगा. ये मैं बार बार आप लोग को पढ़ाती हूँ कि मैनेजमेंट इज एट द कोर ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड कोऑपरेशन. सो हर डिपार्टमेंट तो प्रॉपरली इंटीग्रेट होना चाहिए. आप बोलोगे मैम डिमांड फॉरकास्टिंग इज अ वर्क ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो देखो मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलोन ये फॉरकास्टिंग नहीं कर सकता, और वो फॉरकास्टिंग करके अपने पास रख लेगा तो भी नहीं चलेगा, उसको ये वेल इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो सारे डिपार्टमेंट्स को एक दूसरे के संग प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए ना. सारे डिपार्टमेंट अगर वेल कनेक्टेड हैं एक दूसरे से, क्या हो रहा है ना यहाँ पर मैनेजमेंट है, तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो इसके पास भी जानी चाहिए, इधर भी जानी चाहिए. अगर ये प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, हर कोई को चीजें पता होनी चाहिए, जिसको जो चीज जानना है. तो ये चीजें देखो अभी तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गई ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ सैप एंड ईआरपी, ये सारे ने बहुत इजी कर दिया कम्युनिकेट करना मैनेजमेंट. तो अभी डिमांड फॉरकास्टिंग पे हम लोग आ जाते हैं, दैट इज एस्टिमेशन ऑफ डिमांड. डिमांड फॉरकास्टिंग हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है. हम लोग जब डिमांड फॉरकास्टिंग में आ रहे हैं, डिमांड फॉरकास्टिंग का फर्स्ट टेक्निक इज क्वांटिटेटिव टेक्निक, ठीक है. क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव का मतलब क्या हुआ, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स का मतलब होता है न्यूमेरिकल्स, वेयर नंबर्स प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, ठीक है. अभी क्वांटिटेटिव टेक्निक में फर्स्ट आ जाता है टाइम सीरीज. नाउ टाइम सीरीज मतलब क्या है, हम लोग एक टाइम पीरियड को, वी टेक अ टाइम पीरियड इनटू अकाउंट, मे बी जनवरी से जून तक के मैंने डेटा को एनालाइज किया, तो उस डेटा को जब हम एनालाइज करते हैं तो मैं एज्यूम कर सकती हूँ कि भाई आगे कितनी डिमांड हो सकती है, जुलाई में कितनी डिमांड होगी या नेक्स्ट सीजन में कितनी डिमांड होगी, ठीक है. तो इससे हम लोग पास्ट सेल्स को या पास्ट जो भी आपके थे उसको लेकर हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं. अब ये जो टाइम सीरीज है इसको हम लोग डिवाइड करते हैं इनटू फोर कैटेगरीज. अभी वो क्या क्या फोर कैटेगरीज हैं, इसमें फर्स्ट आ गया ट्रेंड्स, ठीक है. ट्रेंड्स क्या होता है, ट्रेंड्स एक पैटर्न है. अब देखोगे ट्रेंड, कोई भी चीज का एक ट्रेंड चलता है, आइदर आप जब ग्राफ करते हो तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, तो यू कैन एस्टिमेट कि अगर ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेरा प्रोडक्ट का डिमांड भी ऊपर की तरफ जाएगा ना, और अगर नीचे की तरफ जा रहा है तो मेरा भी डिमांड नीचे की तरफ जाएगा, या एवरेज में, मीन एवरेज देखो एकदम इन बिटवीन चल रहा है, कैसा चल रहा है आपका ट्रेंड, तो उसके हिसाब से मैं एक एग्जांपल देकर आपको दिखाई देती हूँ. अगर ट्रेंड का मैं देखूं कैसा दिखेगा, आप जब ग्राफ कर रहे हो आइदर देख रहे हो ऐसे ऐसे करके बढ़ रहा है धीरे 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 ऊपर कर, मैंने बहुत स्लाइट एकदम चेंजेस हो रही है, बट वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट ऊपर की तरफ ही जा रहा है, तो ट्रेंड ऊपर की तरफ शो कर रहा है. इन द मीन टाइम ये ऐसे भी जा सकता है, ट्रेंड मेरा ऐसे जा रहा है स्ट्रेट, तो आप समझ लो एवरेज में आपके इतने ही रहने वाले, वो बढ़ना घटना नहीं है, मेरा डिमांड इतना ही रहने वाला है, ठीक है. तो ये हो गया ट्रेंड. फिर आ गया हमारा सीजनल वेरिएशन. सीजनल वेरिएशन किस चीज को बोल रहा है, सीजनल वेरिएशन का मतलब होता है ये सीजन के ऊपर होता है, जैसे गर्मियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ जाती है, ठंडी में थोड़ी कम जाती है, तो वो सीजनल वेरिएशन हो गया. अब आ जाता है आपका साइक्लिकल वेरिएशन. साइक्लिकल वेरिएशंस मेनली क्या है, ये बिजनेस साइकिल के ऊपर होता है, एक ट्रेंड आता है, चेंज होता है ऊपर नीचे, कभी बिजनेस साइकिल ऊपर की तरफ है, कभी नीचे की तरफ है, इस तरीके से साइक्लिकल वेरिएशन होता है, ठीक है. एंड देयर आर रैंडम फ्लक्चुएशंस एज वेल. रैंडम फ्लक्चुएशंस किस चीज को बोल रहा है, देखिए रैंडम फ्लक्चुएशंस मतलब वी डोंट नो एक्चुअली किस चीज के लिए, वी कैन नॉट एट्रीब्यूट फॉर व्हाट रीजन माय डिमांड इज आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, उसको बोलते हैं हम लोग रैंडम फ्लक्चुएशन, ठीक है ना, वो रैंडम फ्लक्चुएशंस की कैटेगरी में आ जाता है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस. अभी ये जो टाइम सीरीज हमने पढ़ा ये भी दो तरह का है,
अभी टाइम सीरीज दो तरह का क्या है इसमें देखो, टाइम सीरीज में एक आता है मूविंग एवरेज एंड दूसरा आता है एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। अभी देखिए ये क्या है, टाइम सीरीज को जो कैलकुलेट करेंगे उसके दो तरीके हैं, मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग। मूविंग एवरेज का मतलब क्या होता है, सिंपली हम लोग क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं कि जनवरी से जून तक का डेटा है मेरे पास, आगे जुलाई का आपको एस्टिमेट करने के लिए बोल दिया जाए, तो आप क्या करोगे, जनवरी से जून तक का जो डेटा है उसको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ दैट इज 6 मंथ, तो आप सिंपली एक एवरेज निकाल लो, 6 महीने का हुआ, 7 महीने का हुआ, जितने महीने का आपको निकालना है, तो यू आर मूविंग एंड टेकिंग द एवरेज। बट एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वेट्स अटैच करते हैं, जैसे वेटेड मूविंग एवरेज होता है ना, वेटेड मूविंग एवरेज, तो वेटेड मूविंग एवरेज में क्या, हम लोग वेट्स अटैच कर रहे हैं टू डिफरेंट मंथ्स, जैसे इंपॉर्टेंस किसको कितनी देनी है, वेट्स मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, हाउ मच इंपॉर्टेंस यू आर अटैचिंग, वो आ गया वेटेड मूविंग एवरेज। तो वैसे ही एक्सपोनेंशियल, मैं एक बार फिर से समझा दे रही हूँ, वेटेड मूविंग एवरेज इसमें क्या हो रहा है, ये जो मैंने एवरेज निकाला, एवरेज तो निकाला चलो ठीक है, बट इसके संग संग एक और चीज करनी होती है, वो क्या करनी होती है हमें, उसमें हमें ये देखना होता है कि भाई किसको कितना वेट्स हम दे रहे हैं, दैट इज कॉल्ड वेट। जैसे जनवरी महीने में मैंने कितना वेट दिया, वो हो गया मेरा जनवरी का वेट, तो हम लोग वेटेड मूविंग एवरेज में क्या करते हैं, वेट्स मल्टीप्लाई दी एक्चुअल डिमांड प्लस डिफरेंट डिफरेंट, मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग क्या किए थे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल सबके डिमांड को लिए थे, तो वेटेड में हमें क्या करना होता है, वेटेड में सबके डिमांड के संग हमें मैंने मल्टीप्लाई करना पड़ता है, डिमांड्स और वेट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो वो हो गया वेटेड मूविंग एवरेज। ठीक है, आप लोग कैसे एग्जाम में सम्स नहीं आता है इसलिए मैं उतना एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, अननेसेसरी, यू डोंट रिक्वायर इट, दैट इज वाई। तो वेटेड में हमारी सिर्फ इंपॉर्टेंस पता चल जाती है, भाई जनवरी की डिमांड की क्या इंपॉर्टेंस है, फरवरी की डिमांड की क्या इंपॉर्टेंस है, तो अकॉर्डिंगली वी विल वर्क ऑन इट, वो हमें पता चल जाता है। अभी एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में क्या होता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग और भी इसको हेल्प करता है, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में हमें बताया जाता है कि दैट रीसेंट डेटा इज द गुड इंडिकेटर, ये आपका एक अच्छा इंडिकेटर है रैदर देन द पास्ट इंडिकेटर, तो यहाँ पे हमारा एक स्मूथिंग फैक्टर होता है, वो हमें बताता है उसका क्या इन्फ्लुएंस है डिमांड के ऊपर। ठीक है, अभी सेकंड क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में, फर्स्ट हमने पढ़ा दैट इज टाइम सीरीज, टाइम सीरीज के बाद आता है हमारा बैरोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, बैरोमेट्रिक एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट वे है ऑफ फॉरकास्टिंग, फॉरकास्टिंग करने के लिए बैरोमेट्रिक एनालिसिस का बहुत ज्यादा यूज होता है। नाउ व्हाट इज बैरोमेट्रिक एनालिसिस, बैरोमेट्रिक एनालिसिस क्या करता है, ये प्रेडिक्ट करता है कि भाई क्या डिमांड हो सकती है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेड ऑन द बिजनेस साइकिल। बिजनेस साइकिल जो होता है ना, उसके जो डिफरेंट टर्निंग पॉइंट्स है, मैंने लास्ट क्लास में बिजनेस साइकिल पढ़ाया था, याद है देवजानी, दिस इज द बिजनेस साइकिल, ऐसे जाता है ना ऊपर नीचे ऐसे करना, सो ये जो डिफरेंट टर्निंग पॉइंट है राइट ऊपर नीचे, इससे तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो सकती है, इंडस्ट्री किस तरफ जा सकती है, isn't it? So, barometric analysis क्या करता है? इसी चीज को एनालाइज करता है कि भाई हमारा टर्निंग पॉइंट एक्चुअली है क्या। ठीक है, अब बैरोमेट्रिक एनालिसिस के हिसाब से देर आर 3 इंडिकेटर्स इन एन इकोनॉमी। नाउ व्हाट आर द इंडिकेटर्स, हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं, व्हाट आर द इंडिकेटर्स, लीडिंग इंडिकेटर, lagging indicator and coincident, coincident indicator। अभी देखो इसका मतलब क्या है, leading, lagging and coincident indicator का मतलब क्या है, actually these are indicator ना, ये तो indicate करता है कि भाई हमारी economy कौन से स्टेज में जाने वाली है, किस तरफ जाने वाली है, इस चीज को बता रहा है। अभी देखो लीडिंग इंडिकेटर मतलब क्या है, कैसा दिखेगा, वो लीड कर रहा है, हमारा इंडिकेटर यहाँ पर है और हमारी इकोनॉमी उसको फॉलो करेगी, दिस इज माय लीडिंग इंडिकेटर, है ना, जैसे स्टॉक प्राइसेस, दिस इज द लीडिंग इंडिकेटर, स्टॉक मार्केट जो मूव करती है ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, स्टॉक मार्केट पहले मूव करती है और इकोनॉमी उसको फॉलो करती है,
इजंट इट, आपने 2009 में भी देखा होगा कि हमारा इकोनॉमी जो है वो फॉलो करती है. स्टॉक मार्केट पहले क्रैश हुआ, उसके बाद हमारी इकोनॉमी मूवमेंट हुई, राइट? सो दैट इज अ लीडिंग इंडिकेटर. अभी लैगिंग इंडिकेटर को देखो, वो ऐसा दिखेगा, इकोनॉमी पहले ऊपर जा चुकी है या नीचे जा चुकी है, वॉट एवर, हमारा इंडिकेटर जो है वो उसको फॉलो करे. लाइक मैं इम्प्लॉयमेंट रेट, लिटरेसी रेट, इन सारी चीजों की बात कर सकती हूँ. जैसे मेरा इकोनॉमी आइदर ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ, हमारा जो इंडिकेटर है उसको फॉलो कर रहा है. इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब इन्फ्लेशन आएगा धीरे धीरे. इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रहा है, ग्रोथ हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, राइट? इस तरीके से. अभी आ गया कोइंसिडेंट इंडिकेटर. कोइंसिडेंट इंडिकेटर इस तरह का होता है जो संग संग चलता है, राइट? कोइंसिडेंट इंडिकेटर, हमारा इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है तो जीडीपी विल मूव पॉजिटिव, जीडीपी भी इस तरफ मूवमेंट करेगा, राइट? अगर इकोनॉमी ऊपर की तरफ जा रही है तो जीडीपी भी इस तरफ ही मूवमेंट करेगा ना, और इकोनॉमी अगर नीचे की तरफ आ रही है तो जीडीपी भी वाइज वर्सा मूव करेगा, राइट? समझ में आया आप लोग? समझ में आ गया ये टॉपिक? मैम एक बार मूविंग एवरेज एक बार फिर से बोलिए ना. एक बार मूविंग एवरेज सिंपल सा मतलब होता है, मूविंग एवरेज का एवरेज निकालना. मैं एग्जांपल दे रही हूँ तुमको. सपोज जनवरी का मेरा डिमांड था, टोटल डिमांड था 20 यूनिट्स, फरवरी का 25, मार्च का 30, अप्रैल का 15, मई का 16. अभी हमें जून का निकालना है. जून का फॉरकास्ट करने के लिए दिया गया है, फॉरकास्ट फॉर जून, ठीक है, यूजिंग सिंपल मूविंग एवरेज. आप क्या करोगे, 20 प्लस 25 प्लस 30, सबको प्लस कर देना, 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मंथ्स, कितना है, 1 2 3 4 5, है ना? दिस इज सिंपल मूविंग एवरेज. ओके, समझ में आया? और वेटेड मूविंग एवरेज जब होता है ना, तो इसमें एक वेट्स अटैच कर दी जाती है. जैसे आपका वेट्स है, जनवरी महीना मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन का महीना, तो मैंने उसमें वेट्स दिया 10, ठीक है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया डिमांड के साथ. फरवरी महीना एडमिशन के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी 10 दिया. मार्च महीना इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, उसको मैंने दिया मे बी 5, ठीक है. अप्रैल महीना उसके लिए मैंने 7 रखा है, ठीक है. मई महीना के लिए मैंने रखा है मे बी 8. तो इसके हिसाब से मैंने जो वेट्स इंपॉर्टेंस अटैच की है वो मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 5. बस सिंपल और मूव, ये वेटेड और मूविंग में यही डिफरेंस. समझ में आया? यस. इसके बाद आ जाती है हमारी क्वालिटेटिव टेक्निक. अभी देखिए क्वालिटेटिव टेक्निक क्या है. क्वालिटेटिव टेक्निक नाम से ही समझ में आ रहा है कि यहाँ पे इट इज समथिंग रिलेटेड विद क्वालिटेटिव एस्पेक्ट. यहाँ पे हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा नहीं है. क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं ना जिसके पहले हमें डिमांड हुई नहीं है, या न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसका तो प्रीवियस डेटा तो हमारे पास होगा नहीं. तो इस टाइम में हमें क्या क्वालिटेटिव टेक्निक्स यूज करने की जरूरत होती है, बिकॉज वी डोंट हैव एनी earlier or we can say old data. तो हम लोग क्या करते हैं, we resort to different qualitative technique. First is expert opinion. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग findings करते हैं on the basis of market research, on the basis of marketing executives, consultants, trade associations हुए या officials बड़े बड़े हैं, उनसे हम लोग demand के बारे में estimation लेते हैं कि what is your suggestion. क्योंकि ये तो product पुराना नहीं है ना, नया है, नया हम launch करने वाले हैं. जो expertise है इस चीज में, इस field में, वही हमें इसके बारे में जानकारी दे सकते हैं, isn't it? Second option is survey. हम लोग survey कर सकते हैं. Surveys are forecasting methods where information is collected through mail, email, telephone or personally interacting with respondents in order to determine demand. ठीक है? इसके बाद हो गया market experimentation. Market experimentation में क्या हो जाता है, हम लोग market को experiment करते हैं. तो market experimentation में, ठीक है, मार्केट एक्सपेरिमेंटेशन में हो जाता है, एक हो गया टेस्ट मार्केटिंग. हम लोग प्रोडक्ट को लॉन्च करने के पहले एक छोटा सा टेस्ट कर लेते हैं, उसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग, ठीक है. और एक हो जाता है आपका कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. नाउ व्हाट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट में हम लोग एक कंज्यूमर ग्रुप टारगेट करते हैं, और वो जो टारगेट ग्रुप ऑफ कंज्यूमर्स है उनके ऊपर पूरी तरह से हम लोग ब्रांड को लॉन्च करने के पहले एक
पीरियोडिक मतलब मे बी फॉर वन मंथ वन ईयर एक कंट्रोल्ड वे में एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, इससे हमें पता चल रहा है वो प्रोडक्ट कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, ठीक है, दिस इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. सो दिस वॉज ऑल अबाउट अवर डिमांड फोरकास्टिंग. डिमांड का चैप्टर पूरी तरह से खत्म हुआ, ठीक है.